Meanwhile, the Aam Aadmi Party is getting set to take Benares by storm when its chief Arvind Kejriwal holds a public meeting to determine whether to announce his candidature against BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi. Hindi TV's Anshul Vora caught up with the former Delhi chief minister on his way to Benares. What's the idea behind challenging Modi? What is that, you know, it's not about just challenging Modi ji. इस देश के अंदर ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन दो मेन एनडीए और यूपीए, ये दो मेन है, और इनके बादशाह कौन है? एक के बादशाह हैं राहुल गांधी और दूसरे के बादशाह हैं नरेंद्र मोदी। इस देश में अभी तक जितनी भी बार लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने किसी के फेवर में वोट नहीं दिया, गुस्सा होके किसी के खिलाफ वोट दिया। एक बार यूपीए को हरा दिया, एक बार एनडीए को हरा दिया, एक बार, और दूसरी पार्टी बाय डिफॉल्ट आती है, डिफैक्टो आती है। इस बार हम कह रहे हैं इन दोनों को हरा देते हैं। इन दोनों से ही तो दुखी हैं, इन दोनों को हरा देते हैं। इन दोनों को हराने का क्या मतलब है? जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी सेना होती थी, लड़ते थे दोनों, तो अगर राजा हार जाए तो बाकी सेना भी हार गई। सो इस बार अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अगर ये देश हरा दे, तो पहली बार इस देश की जनता की जीत होगी। Arvind, would you admit it's going to be a difficult fight in Varanasi for you? It's not my fight. It is your fight. It is their fight. Will their fight be more will be a difficult one then? Whoever you mean. भाई जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो रास्ता इतना आसान थोड़ी होता है, डिफिकल्ट तो होता ही है, कांटों भरा होता ही है। Arvind, do you see your party coming up as a major opposition? Is that like a thinking behind challenging these big leaders? जनता रूल करेगी। अभी तक जनता दूसरों को पावर दे रही थी, अब जनता कहती है हमें पावर चाहिए, जनता रूल करेगी।